इतिहास है, इस इतिहास को कोई भी इतिहासकार स्वीकार करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहू से दिगंबरी दीक्षा ली थी और उनकी समाधि श्रवण बेलगोला में हुई है। और हम इसके साथ साथ ऐसी पुस्तकों को, जो पुस्तकें मनगढ़ंत लिखी, जो सिर्फ जिहादी अपने आप को बता रहे हैं, जो दिगंबरों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दिगंबर कुछ नहीं है, दिगंबरों के पास कोई इतिहास नहीं है, दिगंबरों के पास कोई साहित्य नहीं है, दिगंबरों के पास कोई मूर्तिकला नहीं है, दिगंबर वो अपने आप को भूल जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि दिगंबरों के पास समृद्धशाली मूर्तियों का समूह, बहुत बड़ा भंडार है। हमारे लिए यह बताती हैं कि दिगंबरों की सभ्यता और संस्कृति बहुत प्रौढ़, प्राचीन और पुरातत्व काल से है। इस बात को लेकर के जब हम यह विचार करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है बात, वह बात यह आती है कि मूर्ति कला की दृष्टि से दिगंबर मूर्तियों का उद्भव और विकास मौर्य वंश के पूर्व में नंद वंश के काल से होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोहानीपुर की मूर्ति, दिगंबर मूर्ति यह बताती है, जो मौर्यकालीन है, जिसकी चमक, जिसके लिए पुरातत्वविदों ने, सभी ने दिगंबर मूर्ति मौर्यकालीन स्वीकार की है। और ये नए भूषण शाह जैसे, जो आज के, जिन्हें न इतिहास का ज्ञान है, न साहित्य का ज्ञान है, न भाषा का ज्ञान है, और न जिनके अंदर वाक्य विन्यास का ज्ञान है, न विषय की प्रस्तुतिकरण का ज्ञान है, ऐसे लोग पुस्तक लिखने अगर बैठ गए हैं तो ये तो बात ये समझ लेना कि ये लोग जो है ना, सचमुच में कौवे लोग ब्राह्मणों को पढ़ाने लगे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं इनके द्वारा यह किया गया प्रयास किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ कागज स्याही को बर्बाद कर रहे हैं और एक कागज स्याही बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और यदि ये कागज स्याही को बर्बाद करने की अपेक्षा सही तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा होने के कारण से पैसा के छपवाने वाले दानदाता भी मिल जाएंगे, लेकिन दानदाता के पैसे का भी सदुपयोग होना चाहिए और उससे यह बात सामने आना चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसे हैं। अभी फिर से इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पुरातत्व को का अध्ययन करना पड़ेगा, और जिन्हें पुरातत्व का अध्ययन नहीं है और वे पुरातत्वविद बनने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कौवे नहा करके और पंडित बनने की कोशिश कर लें, पर कौवे पंडित नहीं हो सकते हैं। इसलिए इतिहास ये कहता है, एक नहीं कितनी इतिहास की किताबों में, विंसेंट स्मिथ को देख लें, चाहे हेमचंद राय चौधरी या एच सी राय चौधरी को देख लें, अथवा हम जो है ना किसी, चाहे कामता काशी प्रसाद जायसवाल को देख लें, चाहे कामता प्रसाद डॉक्टर को देख लें, जिन्होंने इतिहास का पूरा अध्ययन किया है, जैन इतिहासकारों के पास बैठकर के भूषण शाह को अभी इतिहास पुरातत्व का अध्ययन करने की आवश्यकता है, और इन्हें अपने आवश्यकता के अनुसार साधुओं की सिर्फ स्तुति करना एक अलग चीज है, और उस स्तुति में विकार पैदा कर देना, और उस स्तुति में सिर्फ जिहादी या नफरत पैदा करा देना बहुत सरल काम है, लेकिन नफरत की जगह इतिहास तथ्यों को बदलने का प्रयास करना ये बहुत गलत काम है। इतिहास के तथ्य ऐसे बदले नहीं जा सकते हैं जिस तरीके से ये प्रस्तुत किए गए हैं। इनको एक बात का पता नहीं है कि पंडित बेचरदास जी ने ये शब्द कहते हुए जैन साहित्य में विकार एक किताब लिखी, उसका उल्लेख नहीं किया गया, बाकी सब किताबों का उल्लेख किया गया। जैन साहित्य में विकार जो किताब है, उस किताब में स्पष्ट लिखा है, इस पंथ के लोगों को कंदोरा और कचोटा ही पूजनीय है, उसके सिवाय इनको मोक्ष मिलता नहीं है। इतना करारा तमाचा मारा गया है उनके द्वारा कि ये उस पुस्तक को इन्होंने कभी जलवाया था श्वेतांबर लोगों ने, परंतु वह पुस्तक आज भी जिंदा है और पुनः प्रकाशन में आ चुकी है, और उसको आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे जैन साहित्य में
आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। हमें यह विचार करना होगा, हमें यह समझना होगा कि जैन साहित्य में विकार कहाँ से आया है। जब से वस्त्रवाद और पात्रवाद का समर्थन करने में अंधे हुए लोग अंध समर्थन करने में खड़े हो गए हैं, जिनकी सुविधा भोगित्व और जिनके अंदर कई प्रकार की विसंगतियाँ मौजूद हैं वस्त्र और पात्रवाद में, जो वस्त्र और पात्र दोनों हिंसक वृत्ति के लिए आमंत्रण देते हैं, ऐसे वस्त्र और पात्र के लिए हमारे समर्थन में जो खड़े हो गए उनका सिर्फ एक ही कारण है, उन्हें मिली सुविधा, वो सुविधा छोड़ नहीं सकते हैं।